चार दशक का सूखा खत्म। 41 साल बाद भारत ने हॉकी में जीता मेडल। टोक्यो ओलंपिक ने भारत ने इतिहास रच दिया है। भारत ने पुरुष हॉकी में चार दशक का सूखा खत्म करते हुए कांस्य पदक जीत लिया है। भारत ने जर्मनी को 5-4 से मात दी। सिमरनजीत सिंह ने 2 गोल दागे। टीम इंडिया की इस मुकाबले में खराब शुरुआत भले रही हो, लेकिन फिर उसने लगातार गोल दागकर वापसी की। लेकिन इसके बाद जर्मनी ने 2 और गोल कर भारत पर दबाव बना दिया, लेकिन टीम इंडिया ने जबरदस्त वापसी करते हुए महज 2 मिनट में मैच को 5-4 की बढ़त पर ला दिया। जर्मनी ने मैच के पहले मिनट में ही गोल किया था। जर्मनी की ओर से तिमूर ओरज ने ये फील्ड गोल किया, जिसके बाद जर्मनी 1-0 से आगे हो गई थी। टीम इंडिया ने 5 जवाबी हमला करने का मौका था, लेकिन वह चूक गई। भारत को 5वें मिनट से पेनल्टी कॉर्नर मिला था, लेकिन रुपिंदर पॉल सिंह गोल करने में नाकाम रहे। रुपिंदर निराश नजर आए, वह इंजेक्शन से खुश नहीं दिखे। पहला क्वार्टर में जर्मनी भारत पर हावी रहा। इस क्वार्टर में जर्मनी काफ़ी ही आक्रामक नजर आया। जर्मनी की टीम ने पहले मिनट में ही गोल दाग कर अपने इरादे साफ कर दिए और शुरुआती बढ़त बना ली। पहले क्वार्टर से ख़त्म होने से ठीक पहले उन्हें पेनल्टी कॉर्नर मिले। भारत ने इस पर शानदार बचाव किया और जर्मनी की बढ़त को 1-0 तक ही रखा। दूसरे हाफ में भारत ने गजब खेल दिखाया है। भारत ने न सिर्फ लगातार गोल किए, बल्कि जर्मनी के खिलाड़ियों को खासा चखाया। जर्मनी की टीम दूसरे हाफ में जवाब में नजर आई। वहीं भारत के खिलाड़ी लगातार गोल की तलाश में दिखे, जिसका उन्हें फ़ायदा मिला। सिमरनजीत सिंह ने हॉकी प्रेमियों को निराश नहीं किया और गोल किए। एक वक्त ऐसा भी था मैच में जब जर्मनी 3-1 से आगे था, लेकिन फिर भारत ने जबरदस्त खेल दिखाते हुए जर्मनी को 4 खाने में चित कर दिया। गोलकीपर सीजेस ने भी गोल पर खड़े होकर जर्मनी को कोई बढ़त लेने का मौका अंतिम क्षणों में नहीं दिया। कई पेनल्टी स्ट्रोक्स भी रोकी। सिमरनजीत सिंह ने 2 गोल करते हुए भारत की मैच में वापसी कराई। जर्मनी की टीम दूसरे हाफ में वो कमाल नहीं दिखा पाई जो उसने पहले हाफ में दिखाया था। भारत की तरफ से पहला गोल सिमरनजीत सिंह ने किया। यह टोक्यो ओलंपिक में उनका दूसरा गोल था। दूसरा गोल करने का मौका हार्दिक सिंह को मिला। तीसरा गोल करने का मौका हरमनप्रीत के हिस्से आया। चौथा गोल रुपिंदर पॉल सिंह ने किया, जिन्हें पेनल्टी स्ट्रोक में गोल में तब्दील कर दिया। यही वह लम्बा था जब भारत मैच में 4-3 से आगे हो गया था, और फिर 5वां गोल सिमरनजीत सिंह ने किया, जिसके बाद भारत ने 5-4 की बढ़त जर्मनी पर ले ली और जो मैच के अंत तक बनी रही। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.